हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। भावना की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी हेल्दी ब्रेकफास्ट, जो आप वेट लॉस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं, और बहुत ही ईजिली बन जाता है। तो जिसके लिए मैंने करीब 7 से 8 घंटे के लिए मूँग दाल 2 कटोरी भिगो दिया था। ये 2 कटोरी मूँग दाल है मीडियम साइज कटोरी से, और इसे रात भर भिगाने के बाद, ये छिलके वाली मूंग दाल थी, तो मैंने इसे अच्छे से वॉश करके इसके छिलके जितने निकल पाए निकाल दिए। थोड़े बहुत रह जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे मैंने मिक्सी जार में ले लिया है, और एक टुकड़ा मैंने इसमें अदरक का और एक मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है। इसे डाल के मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। पीसने के बाद अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे, और बाकी का जो हमारा मूँग दाल बचा हुआ है ना, उसे हम मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखना है हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है, दरदरा नहीं रखना है बिल्कुल भी, बारीक कर देना है। तो अभी जो बची हुई मूंग दाल है, इसे भी इसमें हम डाल देंगे। और एक कटोरी, जिस कटोरी से मैंने 2 कटोरी मूंग दाल ली थी, उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी चावल का आटा लिया है। इसे मैंने छान लिया है। छानने के बाद इसे भी, जो हम दोबारा से दाल पीस रहे हैं, इसमें हम डाल देंगे। और उसी कटोरी से हमें 1 कटोरी पानी डालना है। मैंने पहले आधी कटोरी डाला, उसके बाद दोबारा मैंने फिर से आधी कटोरी डाला था, तो ये एक फाइन सा पेस्ट बन जाएगा इस तरीके का। इसे भी हमें पहली वाली जो दाल का मिक्सचर था ना, उसी में मिक्स कर देना है। काफ़ी फ्लफी बनता है इसका पेस्ट, क्योंकि मूंग की दाल वैसे भी पीसने के बाद बहुत अच्छी स्मूथ हो जाती है। और जो मिक्सी में लगा हुआ है थोड़ा बहुत, इसे भी हमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से क्लीन करके बैटर में ऐड कर देना है। अब इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इनो वगैरह हमें कुछ भी नहीं डालना है इसमें, ये ऑलरेडी इतना फ्लफी होता है कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे साइड में रखते हैं। थोड़ी सी मैंने वेजीज ली हैं जो बच्चे खा लेते हैं इजली, तो मैंने थोड़ा सा शिमला मिर्च कट किया और थोड़ा सा प्याज कट किया। हरी मिर्च, कैबेज, कैरेट, आप और भी कोई वेजीज इसमें मिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पास इस समय सिर्फ यही अवेलेबल थी, तो मैंने इन्हीं से बना लिया। और पनीर, अगर इसके ऊपर आप पनीर ग्रेट करके डालेंगे तो और अच्छा लगेगा। पनीर मेरे पास नहीं था तो मैंने ऊपर से चीज़ डाल दिया। थोड़ा सा हमने इस बैटर में नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार, क्योंकि और हम किसी भी चीज़ में नमक नहीं डालने वाले हैं, तो हमने बैटर में नमक ऐड कर दिया। गैस ऑन करेंगे, इस पर तवा चढ़ाएंगे। आप ईज़िली इसे लोहे के तवे पर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बन जाएगा। हल्का सा मैंने इस पर ऑयल ग्रीस किया। इसके बाद जो बैटर हमने रेडी किया है, उस बैटर को हम करछी की हेल्प से इस तरीके से फैला देंगे। जो डोसे वाली वीडियो मैंने डाला था ना शॉर्ट्स में, वो भी इसी बैटर से बनाया था मैंने। बस यही कि तब मैंने इस बैटर को 1 घंटे के लिए रख दिया था। इसके बाद मैंने लो फ्लेम पर तवे को ग्रीस करके तब बनाया था, बहुत अच्छा बना था। आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। ये मैंने चिल्ला तरीके का बनाया, जिससे थोड़ा सा सॉफ्ट रहे। सॉफ्ट होता है तो बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगता है। अब एक साइड से सेकने के बाद हम इसे पलट लेंगे। उसके बाद जो हमने प्याज और कैप्सिकम कट करके रखा है ना, वो इसके ऊपर डाल देंगे, और थोड़ी सी चीज़ डालेंगे। वन साइड डालने के बाद मैंने इसे फोल्ड करना है, इसीलिए वन साइड ही इसे डाला है। अब दूसरी तरफ से भी काफ़ी क्रिस्पी हो चुका है, तो अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और दोनों तरफ से दबाते हुए सेक के निकाल लेंगे। सेम इसी प्रोसेस के साथ हमें दूसरा भी बनाना है। तवे को हम किसी भी साफ़ कपड़े से क्लीन कर लेंगे। इसके बाद इसमें मैंने दोबारा में ऑयल नहीं लगाया, ऐसे ही बना लिया, क्योंकि नॉन स्टिक है। लेकिन अगर आप तवे पे, लोहे के तवे पे बना रहे हैं, तो आपको ऑयल लगाना पड़ेगा। इसके बाद मैंने दोबारा इसमें बैटर डाला है और इसे फैला लिया है। हल्का सा ऊपर से मैंने ऑयल डाल के इसे टर्न कर लिया है। जिस साइड पर हम फिलिंग को फिल करेंगे, उस साइड पर हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अगेन हमने इसमें प्याज डाल दिया, कैप्सिकम डाल दिए। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं, बच्चों के लिए नहीं बना रहे, तो आप बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड और कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर चीज़ ग्रेट कर दिया। अगेन हम इसे फोल्ड कर लेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है और काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में, और झटपट बन के रेडी भी हो जाती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। ये हमारा मूंग दाल का चिल्ला बनके रेडी हो गया, जो खाने में बहुत यम है, बच्चों को काफ़ी पसंद आने वाला है। और अगर आप सभी को वीडियो या रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए,
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय माता दी।